गुरुवार के दिन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक कप्तान आनंद कुमार ने हथुआ के अनुमंडलीय अस्पताल में अचौक निरीक्षण किया। आपको बताते चले कि कोरोना महामारी के बढ़ते रफ्तार की वजह से स्वास्थ्य विभाग पर इस वक्त सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है। इसी संदर्भ में आज गोपालगंज के DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं पुलिस कप्तान अधीक्षक आनंद कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख पदाधिकारियों और डॉक्टरों के साथ अस्पताल में बनाए गए COVID-19 के औचक निरीक्षण किया एवं अस्पताल में ऑक्सीजन और दवा की कमी न हो इसके लिए सख्त निर्देश भी दिया गया। ऑक्सीजन एवं दवा पर आपको बता दें कि विशेष जोर दिया गया है कि पर्याप्त मात्रा में अस्पताल में उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने सभी स्वास्थ्य विभाग के लोगों को सक्रियता एवं सुरक्षा के साथ कार्य करने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि इस वक्त स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों का अहम रोल है जिसकी वजह से हम यह जंग जीत सकते हैं। इसलिए आप लोग अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करिए। अस्पताल में निरीक्षण के दौरान हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन, हथुआ पुलिस पदाधिकारी नरेश कुमार एवं हथुआ विकास पदाधिकारी रवि कुमार, हथुआ अंचल पदाधिकारी विपिन कुमार सिंह सहित हथुआ अस्पताल में DS रमेश राम, हथुआ थाना अध्यक्ष के अलावे अस्पताल में मेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहे। TV10 के लिए हथुआ से जितेंद्र पाठक की रिपोर्ट। गाड़ी लगवा के रखने लगे आओ अभी चलो आज आपको लेटर निकलता है। हथुआ अनुमंडल में है और उसी अस्पताल में जो प्राप्त सुविधाएं हैं और वहाँ कहाँ कहाँ हम लोग और सुधार कर सकते हैं इसी आलोक में समीक्षात्मक बैठक की गई थी। हम लोग अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और अभी हमारा DCHC जिस बिल्डिंग में चल रहा है उससे बड़े वाले बिल्डिंग में जहाँ हम अधिक से अधिक लोगों को रख सकें उस बिल्डिंग में भी हम लोग बहुत जल्द शिफ्ट करेंगे। आज से कल तक हम लोग बढ़ाने की भी बात चल रही है क्या DSP बढ़ाने की? हाँ, DCHC को हम संख्या बेड की संख्या उसमें बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी हमारे पास यहाँ लगभग 75 बेड था एक बिल्डिंग में लेकिन वहाँ पे हम 100 से ज़्यादा बेड रखने की बात कर रहे हैं और जो सीरियस मरीज है उसको हम ग्राउंड फ्लोर पे ही हम रखेंगे। इसकी पूरी व्यवस्था